हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ी कॉर्न मशरूम सैंडविच। बहुत ही टेस्टी बनता है। कई बच्चे जो होते हैं मशरूम नहीं खाते हैं, लेकिन ये हेल्दी बहुत होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो इस सैंडविच के थ्रू आप बच्चों को ये मशरूम्स भी खिला सकते हैं। इवन मेरी खुद की बेटी नहीं खाती है मशरूम, लेकिन इस तरह से उसने भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद के साथ खाया। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं झटपट से सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है एक पैन में। हल्का सा बटर को मेल्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे वरना बटर जल सकता है। और अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। पेस्ट के बजाय अगर आप लहसुन को काट कर डालेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसे हम सोटे कर लेंगे हल्का सा, फ्लेम को लो ही रखेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा प्याज, इस तरह से पतला लंबा कटा हुआ, और इसे भी हमें भून लेना है एक मिनट के लिए। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की नीड नहीं है, हल्का हल्का इसे हम पकाएंगे। इसका हल्का सा कलर ही चेंज करना है हमें। फ्रेंड्स, ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने पहले भी मशरूम की बहुत सारी आपके साथ रेसिपीज शेयर की हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मशरूम को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। डाल देंगे इसे हम पैन में, इसे भी हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। मशरूम पानी रिलीज करता है, तो कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करने की नीड नहीं है। फ्लेम हमें हाई ही रखना है, क्योंकि जो ये मशरूम पानी रिलीज करेंगे हमें इसे सुखाना है। और यहाँ पर मैंने आधा कप डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न्स, और इसे भी डालकर हमें भूनना है। अब दोनों चीज़ें जो पानी रिलीज़ करेंगी उसे हाई फ्लेम पर हमें पका लेना है। और हाई फ्लेम पर पकाते हुए ही ये मशरूम और जो स्वीट कॉर्न होगी पक जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें पानी नज़र आ रहा है, इसे हमें बिल्कुल सुखा लेना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे दो तीन मसाले, जो कि हैं नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च, और एक चम्मच डाल देंगे इसमें ओरिगैनो। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है। थोड़ा इसे इटालियन फ्लेवर का भी हम सैंडविच कह सकते हैं। तो इसे हम मिक्स करेंगे, और अब हमें इसे 2 से 4 मिनट के लिए पकाना है तेज आंच पर ही। और अगर पानी आपको लगे कि जल्दी सूख गया है तो आप इसे फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और पानी सूख गया है, और सब्जी भी जो है मशरूम और कॉर्न जो है पक चुके हैं। अब बारी आती है इसमें चीज़ डालने की। फ्लेम को मैंने कर दिया बिल्कुल लो। मेरे पास यहाँ पर चीज़ स्लाइस थी, तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं 2 चीज़ स्लाइस के। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को लो पर रखते हुए ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीज़ को। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसी में जो चीज़ होगी वो मिक्स हो जाएगी, क्योंकि सब्जियां जो है काफ़ी गर्म है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से करिएगा, क्योंकि सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और कितने कम इंग्रेडिएंट में ये सैंडविच जो है बनकर तैयार हो जाएगा। विंटर्स में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं और आप इसे बना सकते हैं। तो अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मैंने ठंडा कर लिया है सब्जी को, और इसके बाद जो ये ब्रेड के स्लाइसेस है मैंने ले लिया है, और इस पर लगा देंगे पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। अगर आपके पास पास्ता सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के दोनों स्लाइसेस पर। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा लिया है। अब जो ये फिलिंग है इसे हम डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड के ऊपर। और अब अच्छे से मैंने लगा दी है फिलिंग, और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख दिया है। अब एक तवा को कर लेंगे अच्छे से गर्म। अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम हमें मीडियम कर देना है, और इसके ऊपर डाल देंगे बटर। बटर को अच्छे से स्प्रेड करते हुए मेल्ट करेंगे, और ब्रेड का स्लाइस उसके ऊपर रखेंगे सैंडविच को, और दूसरी साइड पर भी हम बटर लगा लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमें बटर को। बटर लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब साइड को पलटेंगे, और उस दूसरी साइड से भी हम सैंडविच को पका लेंगे।
इस तरह से इसका हल्का सा गोल्डन कलर हमें कर लेना है। देखिए सैंडविच जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी टू सर्व। अब हम इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे और गर्मा गर्म हम इसे टमाटो केचप के साथ या मेयोनीज के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सैंडविच जो है बहुत ही इजी है बनाना, टेस्ट फ्लेवर इसका ज़बरदस्त है, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।